Hello everyone. I'm starting a new course. You know the name, Wonders of Science. What I see, what I observe every day, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज ऐसा क्यों है, उसका आंसर आपको चाहिए, then you watch this video. आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि ये सेंचुरी में, ये 21st century में हर कोई इंसान के दिमाग में है कि ये चीज क्या है. द टॉपिक इज स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स. ज्यादातर हम देखते हैं हर कोई इंसान प्लास्टिक बॉटल यूज करता है, हर कोई इंसान प्लास्टिक बॉटल यूज करता है, हर जगह में आपको मिलेगा. बट आज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमें प्लास्टिक बॉटल यूज करना नहीं है. रीजन क्या है, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे. बच्चों सी, मुझे ना एक कोट मिला आज इंटरनेट पे. आई एम कंसर्न अबाउट द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक. इफ ओवरफिशिंग कंटिन्यूज, इफ पॉल्यूशन कंटिन्यूज, मेनी ऑफ द स्पेसिस विल डिसअपियर ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ. बाय बर्नार्ड. आप सोचो, हम एक ऐसे सेंचुरी में आ गए जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी तो मिला, बट वी आर हर्टिंग आवर नेचर. जो नेचर हमें मिल रहा था पहले, वो अभी हमें आप नहीं मिल रहा है. हमें टेक्नोलॉजी बहुत कुछ एडवांटेज दे रहा है, उसी के साथ हमें बहुत कुछ डिसएडवांटेज फील करना हो रहा है. एंड द मेन रीज़न कौन है, हम खुद हैं. हम नेचर के साथ खेल रहे हैं, उसी के लिए नेचर हमें दे रहा है जो भी प्रॉब्लम हम फेस करें बिकॉज ऑफ दिस. चलो बात करते बच्चों. आप एक काम करो, कुछ एक मान लीजिए हम मार्केट से एक पानी बोतल खरीद ली, प्लास्टिक का है. हर जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, आप कहीं पे भी जाओ बच्चों, हमें प्लास्टिक बोतल मिल जाता है. थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, 10 रुपये में, 20 रुपये मिल जाता है, हम उसे खरीद लेते हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो आप एक वाटर बोतल खरीदे आज, वो जो पानी उसके अंदर था, आपको लग रहा है वो पानी आज का फ्रेश वाटर उसके अंदर डाल के जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ वहाँ से शिपिंग होके रेलवे स्टेशन तक आज 1 घंटे में आ गया? नॉट एट ऑल. ये मिनिमम 2, 3, 4, 5, कभी कभी 1 महीना 2 महीना भी लग जाता है. एंड उसी पानी को हम पीते हैं. अगर आप उसका पीएच लेवल चेक करोगे बच्चों, नॉर्मली पीएच लेवल क्या होना चाहिए, ग्रीन एंड डार्क ग्रीन के अंदर होना चाहिए. अगर आप जो वाटर बोतल खरीदते हो, हम जो खरीदते हैं मार्केट से, अगर हम उसका पीएच लेवल चेक करें, उसमें एसिडिक मिलता है. एंड वी नो एसिडिक इज वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ. सी, प्लास्टिक बोटल्स आर मेड ऑफ पॉलीमर्स. ये ना एक पॉलीमर मेटेरियल से बना हुआ है. जैसे सेरामिक और मेटल क्या होता है, वो डिग्रेड इतना जल्दी नहीं होता है, बट पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है. एंड यू नो ये एजिंग वेरी फास्ट होता है, इसका लॉन्गजिटिविटी ज्यादा नहीं होता है. एंड पॉलीमर्स आर नॉट एट ऑल स्टेबल इन लॉन्ग टर्म. अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो पॉलीमर, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा. ठीक है, सो प्लास्टिक बोटल्स कैन नॉट एंड शुड नॉट बी यूज इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स. ये आप अगर लॉन्ग टर्म पानी रख रहे हो, मान लो जो पानी आप खरीदे उसी दिन का, तो आपको कभी नहीं मिलता है. अब जब आ रहा है मार्केट में, बहुत टाइम लगता है, तो पानी उसके अंदर, यहाँ पे लिखा है दिस इज मेड ऑफ पॉलीमर. अगर पॉलीमर में बहुत टाइम तक आप कुछ भी पानी रखोगे, एंड खुद पॉलीमर एक ऐसा मटेरियल है वो लॉन्ग टर्म तक वो ठीक नहीं रहता, उसमें क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है मटेरियल. सो पीएच लेवल आपको एसिडिसिटी में मिल जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा, ये बोल रहा हूँ आपको, इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब देखो, यूएस फूड एंड ड्रग, मैं आपको क्यों बोलूं, अगर मैं कुछ बात दे दिया, मैं क्यों, आई हैव रिफर्ड फ्यू ऑफ द वेबसाइट जर्नल्स आल्सो, दे आर आल्सो मेंशन द एफडीए एडमिटेड दैट प्लास्टिक लीचेस अराउंड 50 टू 60 डिफरेंट केमिकल्स व्हेन हीटेड. व्हेन यू हीट द फूड इन अ टेक अवे कंटेनर, सर्व इट हॉट ऑन अ प्लास्टिक प्लेट, द प्रोसेस मिक्सेस विद वेरियस केमिकल्स. अगर आप कुछ खाना भी खरीद रहे हो, उसे क्या करते हैं, रैपिंग करके देते हैं, खाना आपका गर्म रहेगा. वहां से भी कुछ केमिकल ऐड होता है आपके फूड में, एंड उसी फूड को हम खाते हैं. पता है इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनफर्टिलिटी भी होता है.
एंड दिस विल लीड टू हेल्थ इश्यूज लाइक पीसीओडी, ओवेरियन इश्यूज एक्सेट्रा. ये बहुत ही डेंजरस है, बात बोलो बहुत ही डेंजरस बात है. वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, इवन ऑल द प्लास्टिक्स राइट नाउ इटसेल्फ वी विल अवॉइड इट. नेक्स्ट देखो बच्चों, अब बोतल में क्या होता है, प्लास्टिक बोतल जब हमें टेम्परेचर, आपको तो ऐसे भी हमारा स्किन तो झेल नहीं पाता, वो तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है. वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, अंडर सन रेज वो थोड़ा मेल्ट होता है, एंड जब वो मेल्ट होता है वो पानी के साथ मिल जाता है, एंड उसी पानी को आप लोग ड्रिंक करते हो. एंड देखो मैं यहाँ पे मेंशन किया, प्लास्टिक ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन विथ टाइम विथ कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस लाइक लोड एंड हीट. मॉलिकुलर क्लेवरेज लाइक प्लेस ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे माइट फ्लो विद द लिक्विड इन टू अर सिस्टम एंड कॉजेस डैमेज. ये हमारे बॉडी में डैमेज क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ हीट. माइक्रो प्लास्टिक होता है मेल्ट, एंड वही मेल्ट आपके पानी में मिल जाते हैं, उसी पानी को हम पीते हैं. पता है हम उसी पानी को पीते हैं. सी हमारा नेचर में हम भी जो कर रहे हैं, हम ये हमारा बना हुआ चीज है, प्लास्टिक इंसान ने बनाया, एंड वही प्लास्टिक हमारे तबीयत के लिए बहुत बुरा चीज होता है, हमें इसे अवॉइड ही करना ही है. देखो और एक, ये तो हर गाड़ी में होता है, आप लोग देखे होगे कार में क्या होता है, इवन आपके आप तो हम तो खुद ही यूज करते हैं, कहीं के हमको पता ही नहीं था, जो ही बोतल है उसे ही को ही भर देते हैं पानी, हम उसे चेंज ही नहीं करते हैं. वही बोतल गाड़ी में रहता है 15-20 दिन, उसके बाद फिर से पानी उसे भर के फिर से यूज करते हैं, विच इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट, हमें उसे यूज ही नहीं करना चाहिए. देन ये क्या होता है, देखो आप इतना सारा 1600 बिलियन से 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हम हर वो इंसान आई थिंक 9 out of 10 दे ऑल आर बाइंग प्लास्टिक बोटल्स, यू नो फॉर आज 2022 में भी यही हो रहा है, एंड हम उसे यूज करके फेंक देते हैं. तो वो जाता कहाँ है, वो तो इजिली डिग्रेडेबल नहीं होगा, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो हम सब यहाँ वहाँ फेंक के हमारे पॉल्यूट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को. हाँ या ना बच्चों, हम पूरा पॉल्यूट ही कर देते हैं, हम खुद करते हैं. वी शुड एडमिट आवर मिस्टेक्स फर्स्ट. सी आज पर NRDC नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल, मेटल ड्रिंकिंग बोटल्स कैन बी फिल्ड एंड रिफिल्ड विथ टैप वाटर, द मेटल वोंट लीच केमिकल्स इनटू वाटर. अगर प्लास्टिक यूज नहीं करना तो करना क्या है सर, आप बोले कि प्लास्टिक यूज मत करो, माइक्रो प्लास्टिक वो वर्ल्ड लाइक वो पानी में मिल जाता है, हम उसे फिर से ड्रिंक करते हैं, तो आप बताइए मुझे यूज क्या करना है. सी हमें क्या यूज करना है, मैं वो आपको दिखाता हूँ. सी हम जब भी मैं आपको दिखाता हूँ ये सब थोड़ा बता देता हूँ. वी हैव टू ट्रांसफर टू ऑल दिज ऑप्शन. यू कैन गो फॉर स्टील बोटल्स, यू कैन गो फॉर कॉपर बोटल्स, इवन यू कैन गो फॉर ग्लास, बट अवॉइड अवॉइड प्लास्टिक. हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना ही है, एंड दीज आर द ऑप्शन. पता है ये थोड़ा कॉस्ट है, एंड ये कैरी करना, आप पूछोगे कि सर कैरी करने में प्रॉब्लम होता है. सी अगर कुछ चीज़ हमारे सेहत के लिए अच्छा है तो आपको कैरी करना पड़ेगा. आप बोलोगे मुझे ईजी मिल रहा है, एंड आपको पता है जो चीज़ ईजी है वो आपके लिए ही बुरा है. अगर कैरी करने की थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, यू आर बाइंग इट वन टाइम, राइट, यू आर बाइंग इट वन टाइम, एंड एट द मिडिल यू कैन ओनली आप थोड़ा साफ करके भी फिर से यूज कर सकते हो. गो फॉर स्टील बोटल्स, गो फॉर कॉपर बोटल्स और गो फॉर ग्लास बोटल्स, नो इश्यूज एट ऑल. सी मैं ये क्यों दिखाना चाहता था, एक मुझे आइडिया मिला, मैं थोड़ा इसके ऊपर रीड कर रहा था, क्या आइडिया मिला मैं आपको बताता हूँ. अराउंड 480 बिलियन बोटल्स वर यूज इन 2016, 480 बिलियन, यू नो, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 680 बिलियन बाई 2022. मुझे तो लग रहा है 680 हो चुका होगा अभी. 680 बिलियन, ओनली 50% ऑफ बोटल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड कलेक्टेड. वो कलेक्ट होता है ओनली 50%, मैं तो बोलूंगा 50 भी कलेक्ट नहीं हो रहा होगा. दीज आर सब लाइक फिगर्स ऑन इंटरनेट, आई हैव सीन, यू कैन सी, यू कैन गो टू द एनवायरमेंट. आप थोड़ा आपके घर में ही बगल में थोड़ा देखो, आपको बोटल मिल जाएगा. कहाँ हो रहा है कलेक्शन? अच्छा ये कलेक्शन हमारा काम नहीं है, बट हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम फेंके क्यों, दैट इज आवर फॉल्ट ओनली. हमारे हम फेंकेंगे और बाकी बोलेंगे कि कोई उठाया को नहीं. सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग एनीवेज.
So less than 10% are used for recycling in the form of new bottles. The rest will either go to lakes, seas, oceans and for landfilling, thus polluting the nature and natural resources. Socho, we are directly or indirectly hurting our nature. We are playing with the nature. And nature हमें क्या क्या दे रहा है और दे रहा था, अब मैं उनका डिफरेंशिएट करूँ ना, वी फील बैड, आई फील असेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि हम नेचर को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे. सी दीज आर फ्यू आर्टिकल्स. गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके ऊपर? गवर्नमेंट बहुत सारा कुछ अप्लाई कर रहा है. इट इज आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें इसको मानना ही है. सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड इन ओडिशा, आज पता है नवीन पटनायक जी इसके लिए बहुत सारा स्टेप ले चुके हैं. ये एक आर्टिकल है, आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रहा है. सी भोपाल में भी आज प्लास्टिक बैन काउंटडाउन बिगिंस, इंडस्ट्री से ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर. इंडस्ट्री तो चाहेगा उसका पैसा बनाने के लिए, बट क्या करे, हमें तो हमारा हेल्थ तो देखना चाहिए ना. सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस, बट आई एम रियली कंसर्न अबाउट दिस. We have to ban this. We should stop using plastics. Again, this is another article came in the newspaper. I have collected all this to show you I am not the only person and you are not the only person who is concerned about this. The whole world is concerned about the plastic and we should stop using it. ये और एक था. अच्छा, ये आज पर एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएन का, आप उसके वेबसाइट में जाना, पहले आपको ये मिलेगा, आवर प्लानेट इज चोकिंग ऑन प्लास्टिक. कैन यू सी, ये हमारे लिए कितना बड़ा मेजर इश्यू क्रिएट कर रहा है. इट इज चोकिंग ऑन प्लास्टिक आवर होल प्लानेट. सी अब हमारे पास ऑप्शन क्या है सर, अगर हम प्लास्टिक यूज ना करें. मैं तो बताया बोतल के बारे में, तो बैग्स चाहिए, तो बैग्स तो आजकल प्लास्टिक बैग्स तो आपको अवॉइड कीजिए, आप अवॉइड कीजिए. आप क्या करोगे, आप देखो प्लास्टिक आप कैंसिल ही कर दो और जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, जूट बैग जो भी मिल रहा है उसे आप यूज करो ना. प्लास्टिक क्यों करें, वी कैन गो फॉर, सबसे कम पैसे में आपको पेपर बैग मिल जाता है. यू कैन गो फॉर पेपर एंड दिस इज डी बायोडिग्रेडेबल, नो इश्यूज एट ऑल. यू कैन गो फॉर पेपर बैग्स. सी अगेन इवन पब्लिश्ड एन आर्टिकल कि प्लास्टिक के बदले हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. देखो एक पॉली थिलिन टेरफेलेट है, हाई डेंसिटी पे है, ये लो डेंसिटी, ये सब ऑप्शंस हमारे पास है, ये सब हम यूज कर सकते हैं. सो हमारा ये काम है कि हमें प्लास्टिक को बैन करके हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसका ऑप्शन को अपनाना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है. नंबर वन, देन नंबर टू, हम जो भी प्लास्टिक का कैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आता है ना उसी को यूज करना चाहिए, देन दैट इज ओके. होप मैं आपको ये थोड़ा फिगर दिया कि एक्चुअली क्या नॉर्मली प्रॉब्लम है, हम इसे यूज करने में क्या प्रॉब्लम है, हम यूज क्यों नहीं करना चाहते हैं, करना भी नहीं चाहिए. देन इट इज अप टू यू, आई एम नॉट द डिसीजन मेकर. आई एम अ पर्सन लाइक यू गाइज, बट मैं आज जब ये सब रीड किया मुझे रियलाइज हुआ, अगर मैं जिंदगी में कभी भी प्लास्टिक बोतल यूज कर रहा हूँ दैट इज अ मिस्टेक. अगेन आई शुड कैरी माई ओन बोतल, दैट इज दैट कैन बी स्टील, दैट कैन बी ग्लास, यू नो. एनी वेज, यू लाइक, इफ यू लाइक माई लेक्चर्स यू कैन गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन आस्क एनी डाउट्स. होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू.